एवरीवन, हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है कोजी केयर क्रीम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि कोजी केयर के सोप्स भी आते हैं, क्रीम भी आते हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बेसिकली फेमस है स्किन लाइटनिंग के लिए। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके पिगमेंटेशन हो गए, रिंकल्स हो गए, एज स्पॉट्स हो गए, उसको भी ये ठीक करता है, राइट। ऐसा इस नाम से ये प्रोडक्ट फेमस है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, ठीक है। तो अगर आप कोजी केयर क्रीम यूज कर रहे हैं या फिर यूज करने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप स्किप करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाए, राइट। मैं नहीं चाहती यार कि आप में से किसी का भी कोई भी प्रोडक्ट का आपके चेहरे पर कुछ गलत प्रभाव पड़े, ठीक है। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कोजी केयर के क्या बेनिफिट्स है, इसको कैसे यूज करना चाहिए एंड कौन से स्किन टाइप वाले इसको यूज करें, राइट। और इसके सबसे बड़ी जो इसके यूजेस है, ठीक है, और अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं तो क्या साइड इफेक्ट है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप कोजी केयर क्रीम यूज कर रहे हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यार, क्योंकि ऑनेस्टली आपको सब्सक्राइब करने में एक मिनट भी नहीं लगता है, पर आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, राइट। और मेरा रेसिज्म फैलाने का कोई इरादा नहीं है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ गोरे लोग ही सुंदर है, ठीक है। आप हर रंग में ब्यूटीफुल है, काले हैं, गोरे हैं, हर रंग में आप ब्यूटीफुल है, बस अपने चेहरे का, अपने स्किन का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या बुरा काम करता है या फिर काम नहीं करता, या फिर अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है कोजिक एसिड, आर्बिट्यून एंड ग्लूटाथियोन। ये बहुत आप हर प्रोडक्ट में, ऑलमोस्ट स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट में सुनने को मिलता होगा। तो देखते हैं इससे होता क्या है, राइट। जहां तक बात है इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें है कोजिक एसिड, लिक्योराइस एक्सट्रैक्ट, नाइनासिनामाइड, एलाटेन, आरबिट्यून, मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड ग्लूटाथियोन। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो है कोजिक एसिड, ग्लूटाथियोन एंड आरबिट्यून, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में। जो ग्लूटाथियोन है इसका काम है कि ये मेलानिन का लेवल्स को कम करता है, मतलब मेलानिन कम करता है, मेलानिन कम होगा तो स्किन कलर ऑब्वियसली ब्राइटर होगा। कोजिक एसिड का भी वही काम है, मेलानिन प्रोडक्शन कम करता है। और जो आपका आरबिट्यून है ये क्या करता है, ब्राइट करता है, ठीक है, आपके स्किन टोन को और स्कार्स को कम करता है आपके, ये आपके फेस पर जो भी डार्केंड एरियाज हैं उसको ये ठीक करता है, ठीक है, लाइट करता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स मिलकर आपके स्किन लाइटिंग में अच्छे से हेल्पफुल करते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत कम ही लोगों में आपको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक सेफ स्किन लाइटिंग प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, आगे वीडियो में देखेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करें, गलत कुछ नहीं करें, वरना फिर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स थे जिसका जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, तो मैंने बता दिया, ओके। जहां तक बात है इस प्रोडक्ट के क्लेम की, तो कंपनी क्लेम करती है कि ये प्रोडक्ट आपके स्किन को ग्लोइंग एंड यूथफुल बनाता है। ग्लोइंग का मतलब सबको पता ही होगा, आपका चेहरा ग्लो करेगा, ठीक है, वो नेचुरल ग्लो आएगा, एक जो क्रीम जो मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स लगा कर आते हैं वो वाला नहीं। और आपका स्किन यूथफुल लगेगा, एज के साथ क्या होता है हमारा स्किन का जो यूथफुलनेस है वो कम हो जाता है, बट ये प्रोडक्ट आपके स्किन को यूथफुल रखेगा। और सनस्क्रीन प्रोटेक्शन, मतलब इसमें सनस्क्रीन प्रोटेक्शन का सेंस ये है कि आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है अगर आप इसको लगा रहे, तो ऐसे ये प्रोडक्ट कह नहीं रहा, बस कह रहा है कि सनस्क्रीन प्रोटेक्शन है। पर मैं कहना चाहूंगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, सनस्क्रीन समर्स में आप अलग से लगाएंगे, नो एक्सक्यूजेस, आपको लगाना है। विदाउट सनस्क्रीन बाहर जाएंगे तो आपका चेहरा खराब होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर, कोई भी प्रोडक्ट में कितना भी सनस्क्रीन प्रोटेक्शन लिख रहा है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सनस्क्रीन लगाएंगे अलग से और 50+ सनस्क्रीन लगाएंगे, कम एसपीएफ में नहीं चलने वाला, बिकॉज इट्स समर्स, प्लीज। और आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा आज के डेट में, सबको अपना चेहरा क्लियर चाहिए, तो अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो उसको भी रिमूव करेगा, ठीक है, और आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा और आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करेगा। मॉइस्चराइजेशन किसको नहीं चाहिए, और समर में तो बहुत ज्यादा, मैं हमेशा कहती हूँ पानी पीजिए, क्योंकि चेहरे को आप जितना क्रीम लगा के ठीक कर सकते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी डाइट अच्छी हो, ठीक है, आप पानी पिए, आपका चेहरा हाइड्रेटेड रहे, ओके, क्योंकि समर्स में हाइड्रेशन इज अ मस्ट, ठीक है। और चेहरे के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी, पानी नहीं पिएंगे तो इतनी धूप हो रही है कि कोई चक्कर खाकर गिर जाए, ठीक है, तो प्लीज ड्रिंक वाटर। और आपके स्किन को ये फर्म भी बनाता है। तो ये इस प्रोडक्ट के क्लेम थे। अब बात करते हैं हाउ टू यूज। तो कोई भी प्रोडक्ट का हाउ टू यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको यूज करना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ऐसे प्रोडक्ट में मैंशन है कि आप इसको दो बार यूज करिए, बट मैं कहना चाहूंगी प्लीज आप दिन में यूज मत करिए एज अ सेफ साइड, ठीक है, आप इसको रात में लगाइए, ठीक है, रात में लगा के सो जाइए और फिर सुबह आप जो फेस वॉश यूज करते हैं उससे वॉश कर ले अपना फेस, ठीक है।
और यू नो आप रात में लगाएंगे, और सबसे पहले रात में लगाने से पहले अपना चेहरा साफ करेंगे, चेहरा सुखाएंगे, फिर इस प्रोडक्ट को लगाएंगे, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, मतलब सफिशियंट अमाउंट। कुछ लोग देखते इतना सारा ले लेते हैं और लगाने लगते हैं, नहीं चाहिए उतना यार, वो आपके स्किन को फिर यू नो गलत असर पड़ जाएगा। तो प्लीज इतना ज्यादा भी मत लगाए, नॉर्मल जो सफिशियंट अमाउंट क्रीम का होता है वही लगाए। और हाँ, पूरे चेहरे पर लगाना है आपको इसको, ठीक है, पूरे फेस पर आपको इसको लगाना है, और इसको दिन में नहीं लगाया, ऐसा सेफ साइड मैं सजेस्ट करूंगी। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स। तो ऐसा इसको कोई साइड इफेक्ट्स है नहीं, बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज आप पहले पैच टेस्ट करके देख लीजिए, 48 आवर्स तक ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर कुछ गलत असर नहीं हो रहा है देन इट्स गुड एंड फाइन, द प्रोडक्ट इज फॉर यू। पर अगर थोड़ा सा भी हो रहा है, जलन, टू बी रेडनेस, कुछ भी हो रहा है, इमीजिएटली जो जहां पर भी आपने लगाया है उस एरिया को वॉश कर ले और एलोवेरा जेल लगा ले, ठीक है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। और पहले आइस लगा ले, एलोवेरा जेल लगा ले, जो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब चेहरे पर जलन होती है तो बहुत गंदा फील होता है। मेरे साथ हुआ था कुछ दिन पहले ही, वैसे मैंने कुछ वैसा लगाया ही नहीं था, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी बीच में कि मैंने जस्ट यू नो अपने चेहरे पर अमृत अंजन जो होता है ना, चंडू बाम, वो लगाया था, ठीक है, और इतना ज़्यादा मेरा जलन होने लगा। फिर मैंने बर्फ लगाया, एलोवेरा जेल लगाया, तब जाकर ठीक हुआ, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट कर ले, सेंसिटिव स्किन वाले, कोई भी स्किन वाले आप कर सकते हैं पहले पैच टेस्ट, फिर आप उसको अपने लगाए चेहरे पर, तभी आप उसको अपने चेहरे तक बात आने दे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा, इसका अमेजोन, और इसकी प्राइस आपको मिले, प्राइस है 175 रुपीज, क्वांटिटी है 15 ग्राम्स, एंड क्वांटिटी के हिसाब से यू नो प्राइस इज गुड, ठीक है, आप ले सकते हैं, अफोर्डेबल है, आप मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी इज गुड, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा नहीं लगाना, जितना सफिशियंट अमाउंट उतना ही लगाना है, राइट। तो एक्स्ट्रा यूज मत किएगा। क्या ये प्रोडक्ट यूजफुल है, क्या हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो करना चाहिए, जी हाँ, ये प्रोडक्ट यूजफुल है आपके स्किन टोन को, ये बिल्कुल ही गोरा नहीं बना देगा, पर हाँ थोड़ा लाइट करता है, इसका रिजल्ट थोड़ा स्लो मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज तुरंत ही रिजल्ट चाहिए, ऐसा करेंगे तो नहीं मिलेगा, रिजल्ट देता है आपको, इसको लगाना होगा पूरे चेहरे पर, तब आपको जाकर इसका रिजल्ट मिलेगा। और पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि जब आप इसको अपने चेहरे पर लगा दें तो आपका चेहरा तो गोरा होगा, पर आपका जो स्किन है वो उसी कलर का रहेगा। करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, वैसे कोई साइड इफेक्ट है नहीं, अगर मैंने जो मैंने बताया पैच टेस्ट कर ले, उसके अलावा कोई वैसा साइड इफेक्ट है नहीं, आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आप इसको यू नो सिर्फ चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरा ही गोरा हो जाएगा, बाकी बॉडी वैसे ही रहेगी। मैं नहीं बोल रही कि बॉडी पे भी इसको लगाइए, बस मैं बता रही हूँ। तो आप कोजी केयर सोप यूज कर सकते हैं, वो पूरे बॉडी के लिए है, ठीक है। तो बस यही था मेरा रिव्यू कोजी केयर क्रीम के ऊपर, जो भी बातें मुझे लगी मैंने आपको बता दी, जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, जो भी आपको जानना जरूरी थी मैंने वो बता दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे चैनल पे आपको फेक रिव्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे चैनल पे आपको फेक रिव्यू नहीं मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ सिर्फ मेरा रिव्यू नहीं देखे आप, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों का रिव्यू देखे तब जाकर कोई प्रोडक्ट ले, ठीक है, ऐसे ही अपने यू नो प्रोडक्ट नहीं ले। तो बस ये था मेरा रिव्यू, जो भी चीज़ें मुझे लगी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऑनेस्टली आपको सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, पर आपका 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है।